दिया दे भरिया मेरा दिल लुट के रह लिया तेरा हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं VIP टैग जोन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना सीखेंगे, जैसा कि आप लोगों ने भी स्टार्टिंग में मेरे स्क्रीन पे इंट्रो में देखा है, जो कि दोस्तों इस टाइम इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ही ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये जो अनुष्का सेन जी का स्पेशल स्टेटस वीडियो है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोग भी कुछ इस तरह का एक बढ़िया सा स्टेटस वीडियो अपने मोबाइल फ़ोन से क्रिएट करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, और पूरा देखना, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा और तभी आप कुछ इस तरह का स्टेटस बहुत ही आसानी से क्रिएट कर पाओगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, चलिए यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे कि जब भी मेरी कोई एक नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए यार हमको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है एलाइट मोशन। अगर आप सबके पास ये वाला एप्लीकेशन नहीं है तो ये वाला जो एप्लीकेशन है आप सबको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा दोस्तों, उधर से जाके इसको आप लोग डाउनलोड कर लेना। जो मैं यूज करता हूँ प्रो वर्जन, इसी वाले एप्लीकेशन को वहाँ पर अपलोड कर दिया हूँ, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आप सबको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उधर से जाके आप लोग इसको फटाफट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद इस एप्लीकेशन को अभी आपको ओपन नहीं करना है। अभी आप लोग जो मेरा ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप सबको दो लिंक मिल जाएगा। तो फटाफट से सबसे पहले मैं अपना वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करता हूं, और यहां पे ये मैंने ओपन कर लिया। जब आप लोग मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे तो वहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें आप लोग थोड़ा सा नीचे की साइड में आओगे तो यहाँ पे दिखाई देगा बीट मार्क प्रोजेक्ट के नाम से एक लिंक रहेगा, और दूसरा वाला जो रहेगा सेक प्रेसेट लिंक के नाम से रहेगा। तो जो फर्स्ट वाला बीट मार्क प्रोजेक्ट है, इस पर आप लोग ऐसे क्लिक करना और ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग थोड़ा सा वेट करना, ये प्रोसेस लेता है। तो ये प्रोसेस लेने के बाद डायरेक्ट आपके एलाइट मोशन एप्लीकेशन में ओपन हो जाता है। और एक बात का ध्यान रखना कि आप लोग का जो मोबाइल का इंटरनेट डाटा है उसको ऑन रखना, तभी ये डायरेक्ट ओपन होगा। अगर नहीं ऑन रखोगे तो ये ओपन ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा, तो इम्पोर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, 100% तक जाता है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ इस तरह से डायरेक्ट आपके एलाइट मोशन में ओपन हो जाता है, जो हम लोगों ने बीट मार्क अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐड किया है। कुछ इस तरह से रहेगा बीट मार्क, ठीक है। इन ये जो बीट मार्क यहाँ पे रेड वाला किया गया है, इन बीट मार्क के बीच बीच में आपको फ़ोटोज को ऐड करना है। आपको खाली फ़ोटो को ऐड करना है, उसके बाद ये जो बीट आता है उसके हिसाब से ये इसमें एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ इधर स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में आने के बाद प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, इमेज एंड वीडियो पे क्लिक करेंगे, और व्यू ऑल पे क्लिक करके अपने फोल्डर से यहाँ से एक ओवरले वीडियो को ऐड कर लेंगे, जिसका लिंक आप सबको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल दोनों पर मिल जाएगा। तो उधर से आप लोग इसको डाउनलोड करके इधर से ऐड कर लेना। तो फटाफट से इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ प्लस आइकन पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेता हूँ। इसको ऐड करने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना, राइट साइड में रहेगा ऊपर में कॉर्नर में, और उसके बाद फिल स्क्रीन पे क्लिक कर देना। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अभी आपको यहाँ पे दो दो तीर के आइकन मिल जाएंगे, एक रहेगा लेफ्ट साइड वाला, एक रहेगा राइट साइड वाला। तो राइट वाले पे एक बार ऐसे क्लिक करना तो डायरेक्ट आपको ये फर्स्ट वाले बीट मार्क पर भेज देगा 7.9 सेकेंड पर। उसके बाद अभी आपको ये जो ओवरले वीडियो का एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ से कट करना है, तो वीडियो पे क्लिक करना, उसके बाद यहाँ राइट साइड वाले कारसेट पे आपको क्लिक कर देना है। जो तीसरे नंबर वाला कारसेट है इस पर क्लिक करोगे तो ये जो वीडियो का एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ से कट जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ के लिए मैं यहाँ पर सॉरी बोलना चाहता हूँ कि अभी आपको थोड़ा सा वीडियो के बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी भाई, मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ यार, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है और मैं जहाँ पे इस टाइम रह रहा हूँ वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक कुछ ज़्यादा है, तो वीडियो के बैकग्राउंड में थोड़ा सा यार नॉइज़ रहेगा, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना आप लोग। उसके बाद अभी स्टार्टिंग में आ जाएंगे, स्टार्टिंग में आने के बाद प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और इमेज एंड वीडियो पे जाएंगे, और व्यू ऑल पे क्लिक करके हम लोग अपने फोल्डर से एक इमोजी को इधर से ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से मैं इस वाली इमोजी को ऐड कर लेता हूँ, प्लस वाला आइकन पे जाते हैं। इमोजी को ऐड करने के बाद अभी इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करेंगे, तो यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना, और राइट साइड में यहाँ पे नीचे की तरफ थर्ड नंबर पे एक आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। उसके बाद इस इमोजी का थोड़ा सा जो साइज़ है छोटा कर लेना आप लोग अपने हिसाब से। तो इसको मैं लगभग इतना छोटा कर लेता हूँ जितना ये मेरे को अच्छा लग रहा है। इसको एकदम बिल्कुल बीच में एकदम सेंटर में सेट कर लेना, ठीक है। तो मैं इसको लगभग
इतना छोटा कर लेता हूँ, इतने पे ये मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना छोटा करने के बाद अभी आप लोग फिर से इसी वाले तीर के आइकन पे क्लिक करना राइट वाले पे, तो डायरेक्ट आप लोग फर्स्ट वाले यहाँ बीट मार्क पे आ जाओगे 7.9 सेकंड पे। उसके बाद अपने इमोजी पे क्लिक करना और यहाँ पे ये जो सेकंड नंबर का कार सेट है इस पे क्लिक कर देना, तो डायरेक्ट ये 7.9 सेकंड तक ये वाला आपका इमोजी हो जाएगा। उसके बाद फिर से आप लोग स्टार्टिंग में आना, इसी इमोजी पे क्लिक करना और यहाँ नीचे में राइट साइड में एक इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना और ऐड इफेक्ट पे जाना। और यहाँ पे आने के बाद अभी आपको यहाँ सर्च का एक आइकन मिल जाएगा राइट साइड में ऊपर की तरफ, तो इस पे क्लिक करना सर्च वाले पे और सर्च में आप लोग लिखना पल्स, यहाँ पे कुछ इस तरह से पल्स। जैसे ही लिखा हुआ है तो दो दो यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो ये जो नीचे वाला है पल्स साइज इसको आप लोग सेलेक्ट करना और यहाँ स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है, जो फर्स्ट वाला है प्लस इस पे एक बार क्लिक कर देना। उसके बाद इसमें जो इफेक्ट लगाना है वो लग चुका है, इसको यहाँ से आप लोग क्लोज करना और यहाँ से एक बार बैक कर देना। तो दोस्तों इतना करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ को ऐड करेंगे, तो मॉडल की फ़ोटोज़ को ऐड करने के लिए इधर आप सबको दो आइकन देखने को मिल जाएंगे, तीर वाले एक लेफ्ट साइड वाला और एक राइट साइड वाला। तो सबसे पहले हम लोग ये राइट साइड वाले तीर के आइकन पर एक बार ऐसे क्लिक करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट हमारा जो फर्स्ट वाला बीट मार्क है उस पे हम लोग आ जाएंगे 7.9 सेकंड पे। इधर आने के बाद हम लोग प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इमेज एंड वीडियो पे जाएंगे और व्यू ऑल पे क्लिक करके हम लोग अपने फोल्डर से अपनी फर्स्ट वाली फ़ोटो को इधर से ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग अपनी फ़ोटो को यूज कर सकते हो या फिर अपने किसी फ्रेंड की, नहीं तो यहाँ पर जो फोटोज़ को मैं यूज कर रहा हूँ इन फोटोज़ का लिंक आप सबको वीडियो का डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम चैनल दोनों पर मिल जाएगा, तो उधर से आप लोग इसको डाउनलोड करके अपने फोल्डर से ऐड कर लेना। तो फटाफट से मैं यहाँ पे फर्स्ट फोटो को अपनी ऐड कर लेता हूँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके। और फोटो को ऐड करने के बाद इधर आप सबको राइट साइड में ऊपर तरफ कॉर्नर में 3 डॉट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और फिल स्क्रीन पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ फिर से आप लोग इसी राइट वाले तीर के आइकन पे एक बार क्लिक करना, तो डायरेक्ट आप लोग सेकंड वाले बीट मार्क पे आ जाओगे। उसके बाद फोटो का जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे क्लिक करके कट कर देना इस वाले कार सेट के आइकन पे। जब आप लोग क्लिक करोगे एक बार तो इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है कट जाएगा। उसके बाद कहीं भी ऐसे स्क्रीन में टच करना और फिर से प्लस वाले आइकन पर जाना और इमेज इन वीडियो पर जाना और फ्यू ऑल पर क्लिक करके अपने फोल्डर से आप लोग अपनी सेकेंड वाली फ़ोटो को इधर से ऐड कर लेना। तो फटाफट से मैं सेकेंड वाली फ़ोटो को भी इधर से ऐड कर लेता हूँ जो कि ये वाली है। फोटो को ऐड करने के बाद दोस्तों सेम उसी तरीके से इधर आप सबको राइट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ फिल स्क्रीन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और यहाँ पे क्लिक करने के बाद फोटो का जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ से हम लोग कट कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे राइट वाले तीर के आइकन पे एक बार क्लिक करना, उसके बाद डायरेक्ट आप लोग नेक्स्ट वाले बीट मार्क पे आ जाओगे और उसके बाद यहाँ फोटो का जो एक्स्ट्रा पार्ट है इस पर क्लिक करके कट कर देंगे। फोटो का एक्स्ट्रा पार्ट कट करने के बाद अभी फिर से हम लोग यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इमेज एंड वीडियो पे जाएंगे और व्यू ऑल पे क्लिक करके हम लोग अपने फोल्डर से अपनी थर्ड वाली फ़ोटो को इधर से ऐड कर लेंगे। तो फटाफट से मैं तीसरी फोटो को इधर से ऐड करता हूँ। तो दोस्तों जैसे मैं कर रहा हूँ सेम इसी तरीके से जितना भी यहाँ पे रेड कलर का बीट मार्क किया गया है सभी में आपको फोटोज़ को एक एक करके ऐड कर लेना है, ठीक है। तो फटाफट से इसको फिल स्क्रीन करेंगे और फोटो का एक्स्ट्रा पार्ट से कट कर देंगे। तो दोस्तों मैं फटाफट से जल्दी से यहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ को एक एक करके ऐड कर लेता हूँ, उसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सभी फ़ोटोज़ को एक एक करके ऐड कर लिया, जितना भी बीट मार्क मैंने यहाँ पे रेड कलर का किया हुआ है इनमें सभी फ़ोटोज़ को ऐड कर लिया हूँ कुछ इस तरीके से। तो आप लोग भी सेम इसी तरीके से फ़ोटोज़ को ऐड कर लेना, उसके बाद आप लोग इधर आ जाना बिल्कुल स्टार्टिंग में। इधर आने के बाद अभी हम लोग सभी फ़ोटोज़ में इफेक्ट को अप्लाई करेंगे, सेक इफेक्ट को, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से बैक करता हूँ और डायरेक्ट अपना जो वीडियो है, जो आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो में मैंने डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दे रखा है तो उसको ओपन कर लेता हूँ। फटाफट से मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे जब आप लोग आओगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पे सेकंड नंबर वाली जो लिंक है सेक प्रेसेट के नाम से, इस पर आप लोग क्लिक करना और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना, ठीक है। और ध्यान रहे दोस्तों कि आपका जो मोबाइल का इंटरनेट डाटा है वो ऑन होना चाहिए, ठीक है, तभी ये ओपन होगा, नहीं तो नहीं ओपन होगा क्योंकि ये बिना इंटरनेट के चलता ही नहीं है। तो आप लोग जैसे इस पर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा वेट करना, ये प्रोसेस लेता है। उसके बाद डायरेक्ट आपके एलाइट मोशन में ये वेरीफाइंग लिंक होगा और कुछ इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ इंपोर्ट वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे और फिर से हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ये इस तरह से ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट वाली फ़ोटो पे अपने क्लिक करेंगे, जो मॉडल की फ़र्स्ट फ़ोटो, इस पर क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे आप सबको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा इफेक्ट का, इस पर क्लिक करना और यहाँ लेफ्ट साइड में नीचे में 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे इसको कॉपी करने के बाद यहाँ से हम लोग पैक करेंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे ऐसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद
अभी हम लोग जिस वाले प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, जिसमें हम लोग एडिटिंग कर रहे थे, उस वाले अपने मेन प्रोजेक्ट को ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद यहाँ राइट वाले तीर के आइकन पर एक बार ऐसे क्लिक करना, तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे आ जाओगे 7.9 सेकंड पे, जहाँ से आपकी फ़ोटो जाना स्टार्ट होती हैं। तो अभी हम लोगों ने जो फर्स्ट वाला इफेक्ट यहाँ पे कॉपी किया है, उसको आपको यहाँ तक अप्लाई करना है, यहाँ तक कि 9 सेकंड तक आपको अप्लाई करना है, ठीक है। 9 सेकंड तक की जितने भी फ़ोटोज़ हैं सब में आपको अप्लाई कर देना है। जो यहाँ पे छोटी लेंथ की फ़ोटोज़ हैं, आप देख सकते हैं ये 9 सेकंड तक यहाँ पे जितने भी फ़ोटो हैं उनका लेंथ छोटा है, उसके बाद सभी फ़ोटोज़ का जो लेंथ है बड़ा है, ठीक है। उस तो मैं आ जाता हूँ इधर स्टार्टिंग में, जहाँ से हमारी फ़ोटो जाना स्टार्ट होती हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी फर्स्ट वाली फ़ोटो को इधर सेलेक्ट करूँगा, इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाऊँगा और 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से पेस्ट करने के बाद सेकंड वाली फ़ोटो को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इफेक्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, 3 डॉट पे क्लिक करके इसको भी पेस्ट कर देंगे। तो कुछ इसी तरीके से जितना भी छोटा यहाँ पे फोटो दिया गया है उनको आपको ऐसे सिलेक्ट करना है, इफेक्ट पे जाना है, 3 डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से इनमें इफेक्ट को अप्लाई कर लेता हूँ, उसके बाद आगे दिखाता हूँ आपको क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जितनी भी छोटी लेंथ की फ़ोटोज़ थी उनमें मैंने इफ़ेक्ट को अप्लाई कर दिया। इफ़ेक्ट को अप्लाई करने के बाद अभी बची हुई हैं जो जिनका लेंथ बड़ा है, ठीक है, जिन फ़ोटोज़ का लेंथ बड़ा है वो फ़ोटोज़ अभी बची हैं। तो इसमें हम लोग दूसरे वाले इफ़ेक्ट को अप्लाई करेंगे, उसके लिए यहाँ से हम लोग पहले बैक करेंगे और बैक करने के बाद उस वाले प्रेसेट को यहाँ पे ओपन करेंगे, जिसको अभी हम लोगों ने इंपोर्ट किया था डिस्क्रिप्शन की लिंक से। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे जो सेकेंड वाली फ़ोटो, इस पर आप लोग क्लिक करना, उसके बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना, 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना, उसके बाद यहाँ से आप लोग पैक करना, और पैक करने के बाद फिर से आप लोग अपने उसी वाले मेन प्रोजेक्ट को इधर से ओपन कर लेना। इसको ओपन करने के बाद इस पर आप लोग क्लिक करना, तो डायरेक्ट जहाँ से आपका फ़ोटो आता है उधर आप लोग आ जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद हम लोग आ जाते हैं 9 सेकंड पे। 9 सेकंड पे आने के बाद हमारी जो है फर्स्ट वाली फ़ोटो आती है 9 सेकंड के बाद, इस पर हम लोग ऐसे क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, 3 डॉट पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। उसके बाद सेकंड वाली फ़ोटो को क्लिक करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, 3 डॉट पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो तीसरी वाली फ़ोटो, इसको भी ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट पे जाएंगे, 3 डॉट पे जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से जितनी भी फ़ोटोज़ यहाँ पे हैं, अभी जितनी भी फ़ोटोज़ बची हैं सब में आपको इफेक्ट को अप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब में अप्लाई करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग कर लेना। तो यहाँ पे मैं 3-4 फ़ोटो में दिखा दिया हूँ, बाकी आप लोग समझदार हो कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक फ़ोटो में और अप्लाई करके मैं दिखा देता हूँ, ये चौथी वाली फ़ोटो पे इफेक्ट पे जाएंगे, 3 डॉट पे जाएंगे और पेस्ट कर देंगे। तो कुछ इसी तरीके से जितने भी फ़ोटो है सब में आप लोग अप्लाई कर लेना। तो फटाफट से मैं अप्लाई करके उसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सभी फ़ोटोज में इफेक्ट को अप्लाई कर दिया। इफेक्ट को अप्लाई करने के बाद अभी हम लोग आ जाएंगे वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में आने के बाद सबसे पहले इधर हम लोग ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक बार ये जो तीर का आइकन है राइट वाला, इस पे क्लिक करना, तो डायरेक्ट आप लोग 7.9 सेकंड पे आ जाओगे। उसके बाद यहाँ आप लोग प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना और इमेज एंड वीडियो पे जाना, और फिर ऑल पे क्लिक करके आप लोग अपने फोल्डर से एक शैडो इफेक्ट वाली PNG को इधर से ऐड कर लेना, जिसका लिंक आप सबको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। उधर से जाके आप लोग इसको डाउनलोड करके इधर से ऐड कर लेना। तो फटाफट से प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके इसको मैं इधर ऐड करता हूँ। इसको ऐड करने के बाद अभी आप लोग यहाँ पे इस पर क्लिक करना, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे। इस पर क्लिक करने के बाद आप सबको राइट साइड में नीचे की तरफ तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके इसके साइज़ को आप लोग अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर लेना। तो फटाफट से इसके साइज़ को थोड़ा सा हम लोग बढ़ाते हैं कुछ इस तरह से। और साइज़ को बढ़ाने के बाद अभी आपको यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट का फर्स्ट नंबर पे तीर का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इसको वीडियो में हम लोग अच्छे से सेट कर लेंगे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे की साइड में लगाता हूँ, जिससे कि नीचे की तरफ थोड़ा सा शैडो इफेक्ट आना चाहिए, जिस पे हम लोग अपनी PNG को ऐड करेंगे। इसको यहाँ पे अच्छे से आप लोग अपने हिसाब से सेट कर लेना, जिस पे आप लोग को ये अच्छा लगे, जितने में आपको ये बहुत ही अच्छा लगे उधर आप लोग इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना। उसके बाद कहीं पर इसे स्क्रीन में टच करना और वीडियो के बिल्कुल आप लोग लास्ट में आ जाना, जहाँ पर आपका वीडियो ख़त्म होता है। इधर आने के बाद अपनी शैडो PNG पे क्लिक करना और सेकेंड नंबर पर एक आप सबको कार सेट का आइकन मिल जाएगा, इस पर एक बार ऐसे क्लिक कर देना। इस पे क्लिक करने के बाद अभी हम लोग फिर से स्टार्टिंग में आ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ स्टार्टिंग में, यहाँ पे आने के बाद फिर से हम लोग प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे और इमेज एंड वीडियो पे क्लिक करेंगे और व्यू ऑल पे क्लिक करके अपने फोल्डर से एक अनुष्का सेन जी का एक PNG ले लेंगे, जो कि नेम वाला PNG है। इधर से मैं अपने फोल्डर से ऐड कर लेता हूँ और इसका जो लिंक है आप सबको टेलीग्राम चैनल और वीडियो का डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा, तो उधर से आप लोग जाके इसको डाउनलोड कर लेना। तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ मूव एंड ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेना। इसके साइज़ को छोटा करने के बाद आप सबको इधर राइट साइड में फर्स्ट पे एक लेफ्ट एंड राइट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और इसको आप लोग नीचे की तरफ कुछ इस तरह से सेट कर लेना, जहाँ पे ये आपको अच्छा लगे।
तो ये मेरे को यहाँ पे अच्छा लग रहा है, तो मैं इसको इधर से सेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे सेट करने के बाद कहीं भी ऐसे स्क्रीन में टच करना और वीडियो के बिल्कुल लास्ट में आ जाना। वीडियो के लास्ट में आने के बाद अभी आप लोग इसी PNG पे क्लिक करना और सेकंड नंबर पे कार सेट का आइकन मिल जाएगा, इस पे क्लिक कर देना, तो आपका जो PNG है डायरेक्ट पूरे वीडियो में अप्लाई हो जाएगा। इसको कुछ इस तरह से लगाने के बाद अभी हम लोग फिर से स्टार्टिंग में आ जाएंगे। और इधर बिल्कुल स्टार्टिंग में आने के बाद इधर हम लोग एक अपनी कोई PNG ऐड कर लेंगे, लोगो की, आपका कोई लोगो है, चैनल का लोगो या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, किसी का भी लोगो अगर आप अपने नाम का बना के रखे हो तो प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना और इमेज एंड वीडियो पे जाना और फिर ऑल पे क्लिक करके उसको अपने फोल्डर से इधर से ऐड कर लेना। तो फटाफट से मैं जो अपना फोल्डर है उसको ओपन कर लेता हूँ और इधर से फाइंड करके अपने लोगो को ऐड कर लेता हूँ। तो मैं जब तक अपने लोगो को फाइंड करता हूँ तब तक आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप सबको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आप सबको कैसा लगा है। और प्लीज़ यार अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन ही कर देना। तो मेरा जो लोगो है ये रहा, इसको मैं इधर से ऐड कर लेता हूँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके कुछ इस तरह से। लोगो को ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करके इसका जो साइज़ है थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेंगे कुछ इस तरह से। साइज़ को छोटा करने के बाद इसको हम लोग नीचे में यहाँ पर सेट कर लेंगे। इसको यहाँ पर लगाने के बाद अभी क्या करना है कि कहीं भी ऐसे स्क्रीन में टच कर देना, उसके बाद वीडियो के लास्ट में आ जाना, सॉरी लास्ट में नहीं, यहाँ पे आएंगे 7.9 सेकंड पे। यहाँ पे आने के बाद आपने ये जो लोगो वाली PNG इस पर क्लिक करना और सेकंड वाले आइकन पे कुछ इस तरह से क्लिक कर देना तो ये डायरेक्ट 7.9 सेकंड तक आ जाएगा आपका लोगो। उसके बाद आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा जो वीडियो है यार वो बन के तैयार हो जाता है। तो वीडियो को कुछ इस तरह से बनाने के बाद अभी आप सबको राइट साइड में ऊपर तरफ कॉर्नर में एक छोटा सा एरो का आइकन मिलेगा तीर का, इस पर क्लिक करना। उसके बाद वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना और यहाँ वीडियो पर क्लिक करने के बाद इसका जो एक्सपोर्ट रेजुलेशन है आप लोग अपने हिसाब से सेट कर लेना। फुल HD 720 पिक्सल में मैं इसको सेट कर लेता हूं। उसके बाद यहां इसका जो फ्रेम रेट है फुल सेलेक्ट कर लूंगा और सबसे नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा एक्सपोर्ट का, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, ये प्रोसेस लेता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग के सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप सबको लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ एक सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर आप लोग क्लिक कर देना। उसके बाद आपका जो स्टेटस है यार आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। आई होप दोस्तों की वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप सबको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके ये जरूर बताना कि वीडियो आप सबको कैसा लगा है। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर देना, जिससे कि जब भी मेरी कोई एक नई वीडियो अपलोड होगी तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं यार एक और अपनी इसी तरह की एक नई और ट्रेंडिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।